तीन तलाक पर कांग्रेस के अलावा अपनों का भी नहीं मिलेगा साथ। तो क्या संसद में एक बार फिर लटक जाएगा तीन तलाक बिल? केंद्र की सत्ता में वापसी के बाद मोदी सरकार संसद के पहले सत्र में जिन अहम बिलों को पास कराना चाहते हैं, उनमें से एक तीन तलाक बिल भी है। इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि कांग्रेस को साधने के लिए सरकार ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के पास अपने दूत भी भेजे थे, लेकिन सरकार की ये पहल रंग लाती दिखाई नहीं दे रही है। खास बात ये है कि इस मुद्दे पर उसे अपनों का साथ भी मिलता दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो संसद में तीन तलाक विधेयक का विरोध करेगी। कांग्रेस ने कहा कि विधेयक के कुछ प्रावधानों पर चर्चा की जरूरत है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तीन तलाक पर हमने कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए हैं, सरकार कई बिंदुओं पर सहमत हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत सारा समय बच सकता है अगर सरकार हमारे पहले के बिंदुओं पर सहमत हो गई होती। सिंघवी का कहना है कि अभी भी एक या दो बिंदु बचे हैं और उन बिंदुओं पर चर्चा की जरूरत है, हम इसका विरोध करेंगे। सिंघवी की टिप्पणी सरकार के जरिए आगामी सत्र में संसद में तीन तलाक के खिलाफ एक विधेयक के पेश किए जाने की घोषणा के बाद आई है, जिसमें तीन तलाक देने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान है। उधर सरकार के सहयोगी जेडीयू भी इस विधेयक के खिलाफ है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी तीन तलाक बिल का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि जेडीयू इसके खिलाफ है और हम इसके खिलाफ लगातार खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि तीन तलाक एक सामाजिक मुद्दा है और इसे सामाजिक स्तर पर समाज के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। रजक ने कहा कि जेडीयू ने राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक के खिलाफ वोट दिया था। इसके पहले नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर तीन तलाक विधेयक का विरोध किया था। हाल ही में नीतीश ने अपना रुख दोहराते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने, समान नागरिक संहिता लागू करने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने के मामले को या तो संवाद के जरिए सुलझाया जाए या अदालत के आदेश के जरिए सुलझाया जाए। जाहिर है तीन तलाक पर सियासी दलों का जो रुख सामने आ रहा है, उससे इस बिल के संसद में लटकने के आसार बढ़ गए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।